दरवाजा बंद कर दो। सबको बैगन में मिला के मेरा भाई आगे निकल गया तगड़ा तहलका। दीपिका मैम आपका क्या कहना है? एक मिनट रुको सर, एक मिनट रुको। आज आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। हमेशा प्यारी है मैडम, मेरे को थप्पड़ ही मारती है वो भी प्यार। अरुण के अलावा और किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? अरुण भाई जिंदाबाद। अरुण भाई ने आपने देखा होगा कल का एपिसोड, देखा होगा अरुण भाई का आपने जी। पूरे भारत में वायरल चल रहा है, वायरल नंबर वन पे, ट्रेंडिंग पे। यहाँ पे रुक जाओ बस, यहाँ पे रुक जाओ, बैठ जाओ। दीपिका जी इधर, एक साथ में आने दो, एक मिनट। चल का भाई देखो, चल का भाई यहाँ पे। तो आज आप लोग घर में जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं कंटेस्टेंट से मिलने के लिए? खुशी का ठिकाना नहीं है, अरुण भाई से गले मिलने हैं और प्यार देना बहुत सारा भाई। पूरे फिनाले आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी की? आप तो घर में जाएंगे, क्या कुछ मैडम? तगड़ी तैयारी है और मेरे जो कपड़े हैं फिनाले के लिए, 29 लाख के कपड़े सिलवाए मैंने और तगड़ा तहलका। अभी जूते आ रहे हैं मेरे 28 लाख के, वो देखना आप, पहुँचने वाले 5 मिनट में, न्यूजीलैंड से पहुँचने वाले हैं मैडम। क्या लगता है कौन जीतेगा? अरुण भाई जिंदाबाद, तगड़ा तहलका। लव यू भाई। जहाँ से कटवाया है वहाँ पे 1,80,000 रुपए की, 1,80,000। बाल लगवाए क्या भाई? हाँ भाई रियल लगवाए। और चेक करो इधर, चेक करके बताओ रियल है या फेक है? असली है टहलका भाई, आप ही असली हो, रियल ओजी। तहलका बचा देंगे ओजी, टहलका तगड़ा तहलका। वाह, मोबाइल गिर जाता था यार। आप चाहो किसी को भी एक्ट्रेस बना दोगे तो आप ही ने वायरल करी थी वो, पता है ना? नहीं नहीं हाँ, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। ऐसा बिग बॉस में पहली बार हुआ है कि वाइफ ने इतना वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम, वो भी डांस पे। अब फिर अगली बार जब मैं जाऊंगी तो फिर सनी भी वैसे ही वेलकम करेंगे, तो फिर देखना कंपटीशन करेंगे कि सनी ज़्यादा अच्छा वेलकम कर सकते हैं या मैंने किया था। नहीं 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 आपने तो था वो। अभी अरुण भाई जीत के आएंगे ना तब वेलकम देखना, जो वेलकम होगा तब देखना क्या वेलकम। अच्छा आप जाने वाले हैं? हाँ 18 में जाने कहा बिग बॉस हो गया, मुझे कैसे बताऊंगा? मैं नहीं बोलूंगी कुछ। थैंक यू फिर वो रिवील हो जाता है, फिर वो रह जाता है। लेकिन आप जाते हैं तो पूरा तहलका सही में मचा बता देते ना, तो अगली बार ही सही। बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं दूसरी वालों, बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं मीडिया वाले। अलग कर दिया, मतलब अलग है, अलग कर दिया। अरे हम इधर, अरे वहाँ से मिल जाएंगे लोग साथ में। देखो मिल गए, चलो तहलका जूते देख लो। अरे बाप रे, पीछे जाइए थोड़ा, तहलका कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। 29 लाख न्यूजीलैंड बोला था ना भाई? मेरे भाई, अरे सस्ता वाला इसको अंदर रखो, हाँ सस्ता वाला अंदर रखो। तगड़ा तहलका, तहलका कपड़े बांट दो। ओजी 40 लाख, ओजी तहलका मच गया, मचा दिया भाई। आपके लिए एक बात बोल दूं मैं? बोलो, बोल दीजिए। आपसे बहुत तगड़ा प्यार है, लव यू सो मच। एक बार कुछ और बाकी फाइनलिस्ट के लिए, अरुण भाई के लिए रिया बुलचिया का तरह कुल की तेरा सुरो कला पकड़ सारा कति रोको रे तेरा लोको पे कतल कते मिया। अरुण ने सबको बैगने मिला दिया, थैंक यू। क्या बात है, लवली। चलो बैगन, अरे भाई वेट करो, फिर अभी आ रहे हैं। ए बस 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 बस।
बस भाई यहीं रुकिए, भाई यहीं रुकिए, भाई रुको 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 भाई रुको, अरे रुको भाई, भाई आइए साइड में, थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग, उतरने दो पीछे, बोलना पीछे आओ गाइस, नहीं मिलेगा भाई, बस यही खड़े होइए एक मिनट। बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हो यार, आप देखो देख के ट्रैफिक, बाय बाय, एक मिनट हाय सर, रुक गया सर, यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर आप इस बार? सपोर्ट तो नहीं, मेरा काम तो देखो एज ए एस्ट्रोलॉजर अंदर जाना है, जो गाइडेंस इसके लिए उसके लिए वो अच्छे से मैं गाइड कर पाऊँ और उनके आगे फ्यूचर में उनके लिए क्या वो सब बता पाऊँ मैं, इसलिए यहाँ पे। आपको क्या लगता है कौन विनर बनने वाला है इस सीजन का? वो अंदर हम बातें करेंगे तब आप सुनिएगा। नहीं बट थोड़ा सा मीडिया को भी पता, वी आर नॉट अलाउड टू से दैट, मिलेंगे हम उस पे बात जरूर। बट आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट इस टाइम अभिषेक कुमार है, बट फेवरेट और प्रेडिक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अभिषेक का एग्रेशन ज्यादा पसंद है आपको? नहीं, एग्रेशन नहीं, उसके अंदर का जो सोल है वो शायद दूसरे लोग बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं, जो मैं उसके ऑरा से और उसकी बर्थ डिटेल्स भी मेरे पास है तो उससे जो मैं उसे रीड कर पाया हूँ, अंदर से बहुत ही प्योर सोल है। गलतियाँ देखो कोई ना कोई खामियाँ हर किसी इंसान में होती है, तो बस उसकी वो वाली खामी कुछ ज़्यादा है, उसे वो भी समझाऊंगा कि उस पर भी जरूर काम करे, इज अ वेरी गुड फ्यूचर है। ओके, अगर इतना प्रिडिक्ट किया तो आपको इतना पता चला, अंकिता के बारे में क्या पता चला आपको? अंकिता इज आल्सो समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, सो आई नो हर सिंस पास्ट 3 इयर्स, सो अगेन अभी इधर ही सारी बातें कर दूंगा फिर अंदर क्या बातें करेंगे हम। क्या लगता है बिग बॉस के बाद किसकी किस्मत चमकने वाली है इस सीजन में? इसके बाद अभिषेक मुनावर, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अंकिता थोड़ी देर काम करके वो अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन हाउस है उसका, मेरे को उस तरफ का विजन दिख रहा है ज़्यादा, और रह जाती है मनारा, उसको आप बहुत जल्दी वेब्स में या मूवीज़ में, साउथ मूवीज़ में स्पेशली काम करता जरूर देखोगे। मुनावर किसमें नज़र आएंगे? मुनो मुनावर विल बी अ सोशल इन्फ्लुएंसर लाइक ही इज ऑलवेज बीन, और उनकी स्टैंड अप की जर्नी भी आगे बहुत बढ़िया रहने वाली है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। फोटो ले, फोटो ले, ले अरे रुकना रवि भाई फोटो ले, थैंक यू, थैंक यू मोस्ट। ये चांदी नहीं भाई साहब, ओनली सोना सोना चांदी, किसने बोला? कितना तोला, कितना तोला, कितना तोला गैस करो, रेट बताएंगे 40 लाख रुपए, हिसाब लगा ले, 10-15 तोला, 10 तोला, 22 तोला, 10 तोला, 22 तोला, सबने गलत बताया, क्या बात है, मेरा भाई जी दिया, भाई को दूंगा 51,000 पेटीएम, देखो बेटा पेटीएम मारो 51,000, 80 तोला, पेटीएम नंबर दो भाई साहब अपना, चलो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, नंबर मैडम मैं करूंगा, मैं मजाक नहीं करता, मैडम तहलका है दूसरे लोग कर रहे हैं भाई, ये बोले सबको करना पड़ेगा, 8 6 9 यहाँ सब लोग रेडी मारूंगा मैं मजाक, आपका नाम किस नाम से? ठीक है, नाम से पेमेंट चेक कर लो आप, मैं मैडम बोले हमको भी 111 रुपए, अरे 1,11,000 होएगा, नेटवर्क नहीं है, मेरा बहुत मोटा अमाउंट करने वाला, वेट करो, देख रहा यार झगड़ा ना हो तो कर देगा।
पिन कोड छुपा के। अरे कोई बात नहीं, ये पेमेंट डाल दिया मैंने भाई के नंबर पे, ये लो जी सर रिकॉर्ड कर लो। क्या बात है, 5000 एक पार्टी आज। ठीक है ब्रदर, 5000 मांग लेते हैं दिन बना। लेकिन जो बाकी अमाउंट रह गया वो कल आपको मिल जाएगा। किधर बैठना भाई, आ जा मेरी तरफ से सारे भाइयों को पार्टी देना आज, कल फ्राइडे है। और कोई सवाल जवाब आपके, बढ़िया वाले तहलका वाले कोई है? तहलका जी हम आपके नंबर आपके। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम मेरे को, जानकारी तो आपको सब है, बस आप बताना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और इसके अलावा कोई तगड़ा सवाल, मतलब यहाँ आने का मकसद क्या है? धर्म पत्नी की एंट्री होने जा रही है और तहलका तगड़ा मचने जा रहा है, बिग बॉस के अंदर कुछ देखने वाले। क्या टिप्स दिया आपने दीपिका जी? तहलका जी आपका नया शो आ रहा है, प्रोमो भी आया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैडम। दीपिका जी को क्या एडवाइस दिया आपने? एडवाइस ये की बातें तहलका वाली करना, रुकना मत, तैड़ पैड़ जवाब देना, कुछ ऐसा टास्क भी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो बेटर फाड़ कर नीचे। तहलका जी डांस, डांस दीवाने का भी एक प्रोमो आया है आपका, क्या कहना चाहेंगे? गाना तला था भाई को तगड़ा सा झलक दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ दिल की बात, अरुण भाई का दिल कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा, बहुत सही। आपको जर्नी की वीडियो किसकी ज्यादा पसंद आई आपको? मैडम देखो मैं ये नहीं बोलूंगा, कुछ प्रूफ लेकर आया हूं, दिखाता हूं, वेट करो। ये आपने अच्छा सवाल पूछा मेरे से, वेट करो आप, ये बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूँ, वेट 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 वेट। सब लोग अपना अपना पेटीएम नंबर बता दो। ये अभिषेक की जर्नी वीडियो आई थी मेरे सामने, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आपके सामने, 3 घंटे में 3,15,000 देख लो एक बार आप। इस पे व्यूज है 3 घंटे में 3,15,000। अब अरुण के देखो आप, वेट 3 घंटे में 8.5 लाख, तो इशारा काफी है, बोलना नहीं पड़ेगा। अगर अरुण ट्रॉफी अपने साथ ले जाते, एक बड़ी खबर और दिखाऊं? यस। अरुण ट्रॉफी लेके जाता तो 6 महीने मेरे घर रहेगी, 6 महीने उसके घर रहने वाली है। कल आपके साथ तो वीडियो देखकर अरुण इमोशनल भी हो गए थे, रोने भी लग गए थे। मैंने हैदराबाद अभी मीटअप रखा था भाई के लिए, आपको बता दूं मैं, 10 से 12 हजार की जनता आई थी, तगड़ा पहलका मचा था। मीटअप आपने देखा था पहले, ये बताओ पहलका मचा तगड़ा, जनता का प्यार देखा आपने? ऐसे ही लगातार डेली में जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, कैब वाले हैं, सबके पीछे और उनकी फोटो लगी हुई है। और उनके लिए मैंने फ्री फूड दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया हुआ है, देखा आपने? तो ये मेरा प्यार है, पूरी जिंदगी रहेगा। ये नहीं है कि बिग बॉस तक रह जाएगा, पूरी जिंदगी प्यार रहेगा, मरते दम तक रहेगा। ये तो छोटा डेमो है मैडम, अभी आगे देखो क्या क्या होने वाला है। और उनके बाहर निकलती है एक बड़ा तहलका मचने वाला है मैडम। रुको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, दिखा देता हूँ, वेट करो। कृष्णा अभिषेक के साथ शूट किया, कैसा लगा शूटिंग का एक्सपीरियंस, क्या रहा? मैडम कृष्णा भैया एक नंबर, और आपने देखा होगा मैंने उनके साथ एक वीडियो भी करी है मुंबई की सड़कों पे, हेल्पिंग वीडियो करी है हमने, और सामाजिक वीडियो मैं करता रहता हूँ, मैं 4-5 सालों से सेवा वाले काम भी करता रहता हूँ मैं, और मेरी सेवा भी जारी है, डेली 120 लोगों को खाना खिलाता हूँ दिल्ली में मैं, और कुछ बड़ा भी करने वाला हूँ मैं, लेकिन 10-15 दिन का वेट करो आप, पहले दिखाने दो, ये सवाल मत करना अभी आप, एक मिनट ये अंदर के रिकॉर्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे डालकर, अरुण मा शेट्टी नंबर 1 पे चल रहा है वोटिंग बेस्ट है ये। मैडम मैं ये बनावटी बात नहीं कर रहा, मैंने भी देखा है, ये पूरे भारत की मीडिया दिखा रही है, नंबर 1 बेस्ट है अरुण भाई चल रहा है। क्या लगता है ट्रॉफी जाने वाली है? मैडम अंकिता अरुण, अंकिता अरुण ये पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। मन्नतें कितनी मांगी आपने वो भी बता दीजिए। प्यार बहुत है मैडम, दिल से इतना, मतलब इतनी बातें निकल रही है उसको लेकर कि बहुत कुछ कर दिया उसने। ट्रॉफी जीते ना जीते, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया उसने, बड़े लेवल पे। अरे घड़ी का जिक्र कर दूं आप? जरूर जरूर। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत नहीं, ये बहुत महंगी है, अनमोल अनमोल है ये घड़ी, कुछ देर बाद कुछ घंटों बाद अरुण के हाथ देखने वाले हो आप, अरुण के हाथ में मिलने वाली है, मेरी फेवरेट है, मेरी जान है, लेकिन ये मेरी जान अरुण भी है, तो उसके हाथ में जाने वाली घड़ी है। दीपिका के थ्रू क्या मैसेज भेज रहा आप अरुण के लिए? ये कि कुछ एक दो बातें मैंने दिल की रखी है, वो वहां तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू। और आपकी पार्टी पेंडिंग है, ऐसा नहीं है भाई की पार्टी मिली है, जहां बोलोगे वहां मिलेगी पार्टी। दीपिका जी की भी बर्थडे आ रहा है उनका नेक्स्ट मंथ जी, जी वो भी पार्टी 11 फरवरी को मेरी नहीं 11 फरवरी को मेरी वाइफ का बर्थडे भी और मेरी बेटी का बर्थडे भी। बड़ी इस बार अच्छे जगह पे, इस बार मुंबई में ही
क्यों मतलब क्या वहाँ से बहुत दंगा हो गया था। अच्छा हाँ। तो अच्छी जगह नहीं थी वो? अच्छी जगह थी लेकिन स्पेस कम था, दंगा बहुत Hi sir. Hi, hi, how are you? I am fine. आप कैसे हो? बस बढ़िया, थोड़ा लेट हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सर आज जा रहे हो आप घर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसके सपोर्ट में आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अरुण के सपोर्ट में, क्योंकि मुझे लगता है अरुण इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ही इज अ रियल मैन, ही इज अ कॉमन मैन, मतलब उसने जो भी किया अपने बलबूते पर किया है, वो ना एक टीवी एक्टर है ना वो मतलब यू नो वो जिसने जो भी किया अपने ऊपर किया है एंड उसने ना किसी को घर में मारा है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन। ओके आपको धन्यवाद करते हैं। जी हां करेक्ट, हल्का बताते रहेंगे बैगन में मिला। आप ब्रदर लुक इधर। संदीप सर आपको कहीं ना कहीं धमकियां भी मिल रही हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे अभी एक मेल आया था, हाय हेलो सर, मुझे अभी एक मेल आया था जिसमें किसी ने बोला है कि आप जाके मनारा और अभिषेक के बारे में ऐसे बोलना वैसे बोलना, मतलब मुझे मनारा अच्छी लगती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मुंह मेरा है, विचार मेरे हैं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा, ऐसे धमकियों से मतलब ये ट्रोलिंग से तो होती रहती है, बट दिस टाइम आई पुट इट आउट बिकॉज जिसने किया है उसको पता होना चाहिए कि ये सब धमकियाँ इज ऑल नॉनसेंस, इज अ रियलिटी शो डाउन द लाइन एंड वी कैन नॉट यू नो बिहेव लाइक दिस, इज जस्ट रियली बैड, बट मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा। आई थिंक अरुण डिजर्व्स इट, मुझे लगता है अरुण इज somebody who has played well, उसने हंसाया है, उसने ह्यूमर दिया है, मुझे लगता है अरुण एक लौता कंटेस्टेंट है जिसने एक रिश्ता बनाया था इनके साथ और वो रिश्ता आज तक चल रहा है, बाकी घर में किसी ने कोई रिश्ता नहीं, सब लोग बस चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बिना मतलब के लड़ना, बिना मतलब के झगड़ना अरुण भाई को ये नहीं आता, जेन्युइन बंदा, जेन्युइन शो में रहा, जैसा था वैसा रहा, तहलका मचाया, सबको बैगन में मिलाया। संदीप सर आपसे जानना और आज मैं दोपहर को बैंगन का भरता भी खा के आया हूं। क्या बात है, जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़, भैया ने खाया बैगन का भरता, नेशनल वेजिटेबल बनने वाला है। आई होप सो, यस ऑफ कोर्स। संदीप सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है फिनाले में कौन जीतेगा, ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ अरुण, क्या मुझे तो मुझे लगता है अरुण को ही जीतना चाहिए, बिकॉज यू नो लास्ट ईयर जब हुआ था तो ऑल्दो एमसी स्टैंड ही वाज देयर इन द फाइनल, बट किसी ने सोचा नहीं था कि एमसी स्टैंड जीतेगा, सो आई वांट दैट ट्रेडिशन टू कंटिन्यू, बिकॉज यहाँ पर आई नो फ्रेंकली मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि आप अरुण को क्यों सपोर्ट करो, उसके चांसेस तो बहुत कम है, बट मुझे लगता है ये एक सरप्राइज होगा और अगर वो होता है इट विल बी फैंटास्टिक, अगर नहीं होता है तो स्टिल जो भी ऑडियंस। लेकिन भैया कुछ घंटे पहले मैंने इनको स्क्रीनशॉट दिखाया, भारत की मीडिया लगातार ये दिखा रही है कि इस टाइम अरुण भाई टॉप वन पे चल रहे हैं वोटिंग के अंदर, सुपर टॉप वन पे चल रहा है मेरा भाई अरुण भाई बैगन भाई। आई होप जो बिग बॉस 16 में हुआ था वो 17 में भी हो, द डार्क हॉर्स विंस बिकॉज दैट इज व्हाट अ ट्रू विनर इज। मैं यहाँ सपोर्ट के लिए आई हूँ अंकिता के लिए, तो डिबेट हो या कुछ भी हो मेरा सारा प्यार उसके साथ है और सारी फैंस का प्यार उसके साथ है, और हमारी दिल वाली लड़की को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे यार। मैंने सिर्फ अंकिता का गेम देखा है और इसीलिए वो फाइनलिस्ट है, और मैं बहुत फोकस्ड लड़की हूँ तो मेरा फोकस सारा अंकिता की तरफ है, और मैं चाहती हूँ और आई एम श्योर कि यू नो जितने उनके फैंस हैं वो चाहते हैं कि वो जीते। नहीं अभी तक तो नहीं मिलूंगी। अरे कैसा रहा अंदर का रूम? सुपर रहा, एक तो अंकिता से इतने दिन बाद मिलने के इट वॉज जस्ट ओवरवेलमिंग था बहुत, क्योंकि यू नो 3 महीने से उसकी जर्नी देखी है और आज वो फाइनलिस्ट है, तो बस उसे यही कहा कि लोग जितना ढेर सारा उसे प्यार कर रहे हैं वो फाइनलिस्ट है, अपने दम पर है और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है, तो बहुत सारे ऐसे वैसे सवाल पूछे गए और उनके जवाब भी हमने दोनों ने मिलकर दिए, बस और कुछ नहीं। अरे हेलो सर, हाउ आर यू?
क्वालिटी अंकिता में ही है, अंकिता ने उसके अलावा कोई सेकंड उसके अलावा नहीं, विनर एक ही होता है ना तो वो अंकिता ही है, क्योंकि मुनावर भी है, अभिषेक भी, ऑफ कोर्स सी आई थिंक हर किसी ने बहुत अच्छा खेला है अपना अपना गेम और इसीलिए वो फाइनलिस्ट है, बट सॉरी यार 20 साल की दोस्ती और अंकिता लोखंडे आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर, क्या बात है, और अरुण जी टॉप 5 में आ गए उसके क्या कहने, अरे बहुत अच्छा, आई थिंक वो बहुत एंटरटेनिंग रहे अरुण जी, और मुझे उनकी लैंग्वेज और उनका लहजा इतना पसंद आया और वो एकदम मस्त इंसान है, सो आई थिंक उनको मैंने बहुत एंजॉय किया इस पूरे शो में, बैंगन यस चलो 1 2 अरे थोड़ा सा अभी मेरे को तो नहीं दो भाई, भाई रुको एक मिनट तो कम से कम रुको, बढ़िया आप बताइए, रुक दिया, नाइस लुक भाई, थैंक यू थैंक यू भाई, भाई एक मिनट भाई, भाई जाओ मत भाई, ट्रक को जगह दे, हां ट्रक पे भाई 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 एक भाई भाई रुको यहां पे रुको यहां पे रुको, वो भर रहा था, भाई 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 किसको सपोर्ट कर रहे हो, उसी के लिए दाम एकदम एक नंबर, अरे बाप रे सर कौन जीत रहा है, शो जीत रहे हैं सबसे ज्यादा, शो जीतेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने बोल दिया पता है क्योंकि उनको पता है कि 2 साल से मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि 28 जनवरी के बाद मैं कहाँ जाऊँगा घूमने के लिए, बट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए शो को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और जो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसको वोट करें, आपका कौन सा फेवरेट, मेरा फेवरेट सीजन 3 में राजू श्रीवास्तव वो तो आप दुनिया में नहीं रहे ना, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले थे, बहुत मजा आया, उसके बाद से मैं शो से जुड़ गया, तो फेवरेट होना ठीक नहीं, सर विक्की जिन जिनका इफेक्ट हुआ है उनका सब लोग बोल रहे हैं कि गलत इफेक्शन हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहूँगा, जो जो इफेक्ट होता है उसको ये लगता है गलत इफेक्ट हुआ है, और सबसे कमाल की बात, लेकिन इफेक्ट कोई भी हो गाली मुझे बहुत पड़ती लेकिन शो में देखा जाए तो स्टार्ट तो है उन्होंने ना कोई गलत लैंग्वेज यूज किया है ना उनका कोई बाहर पर्सनल लाइफ में कुछ उनको हुआ, इससे रिलेटेड मैं कोई भी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जितना भी ये कॉन्ट्रोवर्सी है या लोगों को लगता है गलत या सही हो वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को प्यार है शो से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्यार है और प्यार बना रहे, ईश्वर से यही कामना है और लोगों से यही निवेदन है, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे सुपुत्र हैं क्या बात है, देखो आ जाओ सामने, तो हाय कर दो, हाय से हाय, हाय करो बेटा, बिग बॉस यही बॉस है, यही बॉस है, मेन बॉस यही है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हां हां रुको आवाज दे दो, ये अंदर का मत मारे, पूजा जी कैसे हो, गाड़ी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रही हूँ मैं तो मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ, अरुण भाई भी मेरे फेवरेट है मगर मैं आई मनारा को सपोर्ट, मैं मुनव्वर के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जो इमेज उनकी क्रिएट हुई है बिग बॉस में आके, इमेज जो क्रिएट हुई है, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया सही, क्रिएट हुई हाँ नहीं जो बनी है, देखिए दुनिया का काम है बात करना, हमारा काम है कि जो हम होते हैं उसे नहीं भूलना, ये मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं 8 हफ्ते के लिए रह कर आई हूँ और मुझे एक चीज़ पता है कि ये मंच हमें छोटा नहीं करता है, हम अपने हरकतों से छोटे या बड़े होते हैं, तो आई थिंक मुनव्वर को भी थोड़ा एक लाइसेंस दीजिए, उसकी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी तमाशा बना के रखा है लोगों ने, लेट द बॉय बी, और अभिषेक थोड़ा राहत, अभिषेक के बारे में क्या बोलना, अभिषेक का जो फिनोमिनल एक कमबैक रहा है और उसके लिए मैं उसे सल्यूट करती हूँ, मगर बहुत ही डिग्निफाइड गेम अगर किसी ने खेला है तो वो है अरुण ने, अरुण आई थिंक कि अरुण के साथ जो पर्सनल क्राइसिस हुई है उसके बावजूद उसने अपने ट्रेजेडी को अपने सर पे बैठ रख के उसे इस्तेमाल कभी किया नहीं, बाहर की बातें कभी नहीं की, और मैं मनारा को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उसने भी दिल से गेम किया खेला है, सिंगल लड़की रही है, सिंगल लड़की रह के एक कपल शो में नो पास्ट नो फ्यूचर
सिर्फ प्रेजेंट में जीती आई है, उसने अपने मिस्टेक्स किए हैं मगर उसका दिल बड़ा है। अंकिता जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है अंकिता जी को, तो अच्छी बात है ना। हर किसी के फैन बेसिस हैं तो सबको सपोर्ट मिलना चाहिए, मगर मैं यहाँ आई थी मनारा को ये कहने के लिए कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती रखते हैं, अगर आपका दिल साफ है, अगर आपको पता है कि वो रिश्ता क्या है, तो फिर दुनिया की बात मत सुनो, क्योंकि वैसे लोग हैं जो आपको समझेंगे और वैसे लोग हैं जो आप कुछ भी कर ले नहीं समझेंगे। तो जिनको नहीं समझना है उनको नमस्कार कह के कहो कि दिस इज व्हाट आई एम, रिश्ते निभाओ। तो आप थ्री को मैंने बेबिका के साथ रिश्ता निभाया था जी, हमने सबने मुझे कहा कि इसके साथ दोस्ती मत रखो। आपके हिसाब से विनर कौन है? मेरे हिसाब से जब ये पांच लोग फिनाले तक पहुंच जाते हैं ना, तो उन सबको थोड़ा ग्रेशियसली कहना चाहिए कि वेल डन। इसके बाद में ट्रॉफी कौन लेता है वो 28 को हम सबको पता चल जाएगा, वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड लेट्स सी, बट आई थिंक इन माय आईज दे आर ऑल विनर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू जी, चलिए बाय बाय मैम, बाय।